पीएम मोदी ग्लासगो में COP26 में हिस्सा लेने पहुंचे। फडणवीस पर नवाब मलिक के आरोप के बाद एक बार फिर उछला नीरज गुंडे का नाम। पश्चिम बंगाल में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक हटी, सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी। गोवा के लिए अरविंद केजरीवाल का बड़ा वादा, कहा सरकार बनी तो कराएंगे तीर्थयात्रा। पटना गांधी मैदान ब्लास्ट में 4 आतंकियों को फांसी की सजा, 2 को आजीवन कारावास। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। अयोध्या में सपा के दिव्यांग नेता पंडित समरजीत अपने अनोखे कामों से सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी समाजवादी तेल, कभी समाजवादी गैस सिलेंडर, तो आज उन्होंने समाजवादी घर घर दीपोत्सव का आयोजन किया। अयोध्या में समाजवादी घर घर दीपोत्सव का दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब महिलाओं के बीच शुभारंभ किया। गरीबों की मदद के साथ ही राजनीति करते नजर आ रही है इस वक्त सपा के दिव्यांग नेता। देखिए, प्रभु राम की नगरी में आज हम समाजवादी घर घर दीपोत्सव मनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु राम के आदर्शों पे चलकर सबसे पहले प्रभु अपनी प्रजा को सदैव खुश रखते थे और उनको सम्मान देने का काम करते थे, तथा सबसे पहले दीपक वह अपने जनता के बीच जलवाने का काम करते थे। आज उसी को आदर्श मानकर हम प्रभु राम की नगरी अयोध्या में समाजवादी घर घर दीपोत्सव गांव गांव मनाने का कार्यक्रम चालू कर दिया है। यह कार्यक्रम हमारा अनवरत चलता रहे। आजमगढ़ कुम्हारी कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दीपावली के मद्देनजर शहर में चौधरी गेस्ट हाउस में महिला मंडल जनसेवा समिति की ओर से दीप मेला लगाया गया। महिला मंडल की सचिव पूनम सिंह ने कहा कि कुम्हारों को स्वावलंबी बनाने और उनके उत्थान के लिए बीते 6 सालों से संस्था इस मेले का आयोजन कर रही है। ये कुम्हारों के उत्थान के लिए हम लगभग 6 साल से यहाँ पे दीपों का मेला लगवाते हैं, ताकि जो कुम्हारों के दिए नहीं बिक पाते हैं, अंदर पड़े हुए हैं, उनको मैं ढूंढ ढूंढ के लाती हूँ ताकि उनके दिए यहाँ पे बिक सके। सही है ना, जो हर साल यहाँ मेला लगवाती हैं, ये मैं 4 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे, चौथा या तीसरा साल, तो हम लोग को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है यहाँ पे, लोग अच्छे अच्छे आते हैं, लोग बिक जाता है। चंदौली में सपा के राष्ट्रीय सचिव मनोज कुमार डब्लू भाजपा सरकार पर जमकर हमलावर रहे। सैयद राजा के रामलीला मैदान पर आयोजित किसान पंचायत में सरकार को किसान विरोधी करार दिया। आरोप लगाया कि सरकार ने आय दोगुनी करने की बात कहकर किसानों को सड़क पर लाने का कार्य किया है। भाजपा के लोग मंच पर किसानों के हित के लिए कसीदे पढ़ते हैं और किसान विरोधी कृत्य को अंजाम देते हैं। विरोध करने पर किसानों को लग्जरी गाड़ियों से रौंदने का काम भी भाजपा और भाजपा के लोग ही करते हैं, जो इतिहास के पन्नों में खून से लिख दिया गया है। के प्रधान जी की जमीन की मैं बात किया था और 2 करोड़ रुपया लेके आया था स्टेडियम बनवाने के लिए, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं ने गुमराह करने का काम किया। लेकिन ये फौजी कभी देश में नफरत नहीं फैलाया, समाज में कभी नफरत नहीं फैलाया। समाजवादी पार्टी और पिछली सरकारों ने देश के अंदर नफरत करने का काम, बांटने का काम नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी भारत माता की जय बोल करके भारत के लोगों को धोखा देने का काम किया। प्रधान जी के कमवा कम से कम प्रधान जी के कर देता, अगर प्रधान जी के नरिया खरंजा पनरोहड़ा पर वोट तो हार लगा था। वही फतेहपुर में यातायात महीने का शुभारंभ जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे व पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने किया। पटेल नगर चौराहे से यातायात जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यातायात माह की शुरुआत है, इसी के क्रम में आज ये कार्यक्रम यहाँ पर जनपद प्रतीकों के अंतर्गत
आयोजित किया गया है। सभी बच्चों के माध्यम से, युवाओं के माध्यम से समाज को जागरूक करने के लिए, यातायात नियमों का अनुपालन करने के लिए किस प्रकार से उसकी गंभीरता को समझना है और किस प्रकार से उसकी गंभीरता को समझना गाँव गाँव में इस बात का प्रचार प्रसार पैसेज इत्यादि के माध्यम से होगा। डिफरेंट रैलीज हैं, डिफरेंट स्कूल में प्रोग्राम आयोजित हैं। बहुत ही पूरे माह इसको सतत रूप से मनाया जाएगा। पूरे माह सतत रूप से मनाने का यही उद्देश्य है कि आगामी समय में जब सर्दियों के भी मौसम आ रहा है, जिसमें कि और सजगता की आवश्यकता हो जाती है, फॉग के इशूज हो जाते हैं हाईवेज पर इत्यादि, तो हम लोग ये आशा करते हैं कि रोड एक्सीडेंट्स और इनकी संख्या में हमें जिस प्रकार से हमें जागरूकता प्रोग्राम हम लोगों ने फंड किया है, प्रोग्राम हम इस तरह से करा रहे हैं, जिस तरह से समाज की प्रतिभागिता को बढ़ावा दे रहे हैं, उससे जरूर इसमें जो रोड एक्सीडेंट्स भी यातायात माह मनाया जा रहा है। ये शासन की प्राथमिकता में एक है। सर्वविदित है कि एक्सीडेंट में लाखों लोग प्रतिवर्ष इस देश में मरते हैं और इसके रोकथाम के लिए कि रोड एक्सीडेंट में लोग न मरे, इसके लिए हम लोग एक जागरूकता अभियान चलाएंगे, पूरे माह चलेगा। विधि द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन न करने के कारण ये सब घटनाएँ होती हैं। लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं, टांगे रहेंगे गाड़ी में लेकिन लगाएंगे नहीं, सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, तमाम तरह की कमियां हैं, ओवरलोड ओवर हाइट करके चलेंगे, रॉन्ग साइड चलेंगे, पुलिस वालों से उलझेंगे अगर रोकता है कोई। तो ये सब जागरूक करने के लिए गांव-गांव ड्राइवर से लेकर के ढाबों से लेकर के क्रय केंद्रों से लेकर के हर एसकेडी एकेडमी रायबरेली रोड वृंदावन शाखा में एसकेडी के संस्थापक का जन्मोत्सव स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय की पांचों शाखाओं में विशेष सभा आयोजित की गई, जिसकी शुरुआत सरस्वती वंदना और दीप प्रज्वलन के साथ की गई। बच्चों और सभी स्टाफ ने कार्यक्रम की शुरुआत संस्थापक को सम्मानित करते हुए की। आज जो सबसे पहले तो सवेरे पूजा पाठ घर पर हुआ, बच्चों ने किया, ऑर्गेनाइज किया था, बहुत ही बढ़िया किया, बड़ा प्यार दिया, सम्मान दिया, उसके लिए तो मैं बड़ा ही अपने गौरवान्वित महसूस करता हूँ। उसके बाद कोचिंग में गया तो पर साल कोरोना नाते कुछ लगा कि कुछ हो सकता, बच्चों में ट्रेडिशन ख़त्म हो गया, लेकिन इस साल डबल जोश से बच्चों ने किया और बड़ा इनिशिएटिव था, क्रिएटिव था बच्चों का, और इतना ज़्यादा अफेक्शन दिया कि मैं फिर से अपने जवान महसूस कर रहा हूँ। और उनको मैंने प्रॉमिस किया कि मैं बेटा ऐसे पढ़ाता रहूँ, चिंता न करो, जब तुम लोग इतना प्यार कर रहे हो तो भी आखिर दम तक मैं लड़ता रहूँगा और मैं अपने स्वस्थ महसूस करता हूँ उन बच्चों के बीच में, क्योंकि 50 साल के जीवन इन्हीं बच्चों में बीता मेरा, बाहर मैं कहीं निकला ही नहीं, पढ़ने पढ़ाने का लूँगा कहीं गया ही नहीं। ये यहाँ कॉलेज में बहुत बड़ा फंक्शन किया 3-4 घंटे का, यहाँ पर लोगों ने बड़ा प्यार बड़ा अफेक्शन दिया लोगों ने, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ भगवान। वहीं पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि लखनऊ में पुलिस ने इनामी ठग आसिफ नजीम को गिरफ्तार कर लिया है। शाइन सिटी कंपनी का डायरेक्टर बताया जा रहा है आसिफ नजीम। गिरफ्तार आरोपी आसिम 300 से ज्यादा मुकदमे उस पर दर्ज थे और शाइन सिटी घोटाले के सभी 300 मुकदमे जो उन पर दर्ज थे उसके बिना पर उनको आज गिरफ्तार कर लिया गया है। आसिफ नसीम पुत्र नसीम निवासी बी 1706/14 GTB नगर करेली थाना करेली जनपद प्रयागराज के गिरफ्तारी हेतु शासन द्वारा 5 लाख रुपए के इनाम का घोषणा किया गया था। ये अभियुक्त शाइन सिटी से संबंधित करीब 300 से भी अधिक विवेचनाओं और अभियोगों में वांछित अभियुक्त था और इसके गिरफ्तारी हेतु लखनऊ कमिश्नरेट के ACP क्राइम के नेतृत्व में एक टीम की गठन की गई थी और ये टीम लगातार इसकी गिरफ्तारी हेतु प्रयासरत थी और आज दिनांक 1/11/2021 को इस टीम द्वारा इस अभियुक्त को प्रयागराज से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है।
मैनपुरी में अपर पुलिस अधीक्षक मधुबनी सिंह के निर्देश पर सर्विलांस टीम ने चोरी व गुमशुदा हुए 34 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। अलग अलग थानों में सभी मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। सभी मोबाइल फोनों की कीमत 5,25,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मोबाइल मालिकों को फोन बांटे हैं, जिसके बाद मोबाइल मालिकों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। और बहुत सी एप्लीकेशंस ऐसी आती हैं जिनमें ये बताया जाता है कि किसी व्यक्ति का मोबाइल गिर गया, हो गया या गुम हो गया, तो इसके लिए सर्विलांस टीम काम करती है। आज जनपद मैनपुरी की सर्विलांस टीम द्वारा ऐसे 34 मोबाइलों को बरामद किया गया है। और बरामद ही नहीं किया गया है, आज जिनके वो मोबाइल हैं उनको देने का भी काम किया जा रहा है। यहाँ पे हमारे सभी वो लोग बैठे हुए हैं जिनके मोबाइल हैं, और अभी एक एक करके सभी। वहीं मथुरा में यातायात पुलिस ने आज यातायात महीने का शुभारंभ किया और जनता को यातायात के नियमों का पालन करने और जनता के बीच सभी जो भी यातायात प्रबंधन के विचार हैं उनकी गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। एसपी सिटी और सीओ सिटी ने जनता से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की तरफ से पूरे वर्ष को चलता है। जनवरी में हमारे यहाँ एक महीने का राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह है, और हर 3 महीने पे एक सड़क सुरक्षा सप्ताह हम लोग मनाते हैं, जिसमें यातायात नियमों के बारे में हम लोग अवेयर करते हैं। साथ साथ जनता से अपील करते हैं कि जो भी ट्रैफिक का रूल है वो पालन करें। साथ साथ जो मेजर पार्ट हम लोग है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं और जिसका ये यातायात जागरूकता माह का उद्देश्य भी है कि सड़क दुर्घटना में लोगों को कैसे बचाया जाए, उसके लिए हम लोग खुली एक सेटअप तैयार करते हैं जिसको हम लोग आम पब्लिक को दिखाते भी हैं कि अगर कोई रोड पर एक्सीडेंट होता है, अगर आप चलते हुए हैं, अगर कहीं दिखता है, तो उस दौरान आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने भी हैं और कैसे उनकी जान बचाई जा सकती है। उस दौरान हम लोग गोल्डन आवर में जो भी ट्रीटमेंट फर्स्ट एड होता है उन चीज़ों को हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, बताते भी हैं। उसके साथ हम लोग लीफलेट और ब्रोशर भी बनवा के तो आम पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। साथ साथ जो हमारे कैंप लगते हैं राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह में, चाहिए यातायात माह में, तो उसमें हम लोग पूरी जो भी हमारे यहाँ कैंप में जो यातायात के नियम हैं उसको हम लोग डिस्प्ले भी करते हैं और आम पब्लिक से अपील करते हैं इन चीज़ों को अपने आसपास लोगों को, क्योंकि हम ये जो कार्यक्रम करते हैं एक सांकेतिक करते हैं, और इसके अलावा इन चीज़ों को हम आपके माध्यम से चाहे आम जनता के माध्यम से आप आसपास के जो परिवेश है उसको अवेयर करें और बताएं, इसको एक कार्यक्रम का एक कार्यक्रम न रहे। मिर्जापुर यातायात सुरक्षा के मद्देनजर मिर्जापुर पुलिस ने यातायात सुरक्षा जुलूस निकाला है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इसमें पुलिस महानिदेशक आर के भारद्वाज रहे, जिन्होंने कहा कि जीवन अमूल्य है, इस जीवन को बचाने के लिए आम जनता का कर्तव्य है कि यातायात नियमों का पालन करे और अपना जीवन बचाए। जीवन बचाने के लिए यातायात सुरक्षा के नियमों का पालन करना जरूरी है। त्योहार नजदीक आते ही आबकारी विभाग भी अब सतर्क हो चुका है। आपको बता दें कि रायबरेली में आबकारी निरीक्षक ने भदोखर थाने के कई गांव में छापेमारी कार्रवाई की। इस दौरान 60 लीटर अवैध कच्ची शराब व लगभग 12 क्विंटल लहन को नष्ट किया गया। जंगल के अंदर हो रहे इस अवैध शराब की सूचना मुखबिर के द्वारा मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम का भंडाफोड़ कर दिया। इस दौरान मौके से आरोपी फरार हो गए। मैं आबकारी निरीक्षक सदर रायबरेली हूँ। दीपावली त्योहारों के मद्देनजर शासन द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। जिला अधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गठित टीमों द्वारा जनपद में इस समय अवैध कच्ची शराब, अवैध मदिरा आदि के संबंध में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। दबिश एवं चेकिंग की कार्रवाई की जा रही है, रोड चेकिंग की जा रही है। उसी के अनुक्रम में आज भदोखर थाना के कबूलनपुरिया में भदोखर के जो है एक सड़क से बाघ जाती, वहां दबिश की कार्रवाई की गई। दबिश की कार्रवाई के दौरान लगभग 60 लीटर अवैध कच्ची शराब मिली, 12 क्विंटल महुआ लहन नष्ट किया गया, 3 लोगों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अभियोग पंजीकृत किया गया, लोगों को अवैध शराब के विरुद्ध जागरूक किया गया, और ये बताया गया कि अगर किसी को सूचना मिलती है तो थाने पर जा करके या फोन पर आबकारी विभाग को सूचना दें,
उनका नाम पता गोपनीय रखा जाएगा और अवैध शराब के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। के प्रधान जी की जमीन की मैं बात किया था और 2 करोड़ रुपया लेके आया था स्टेडियम बनवाने के लिए। वैसे सिद्धार्थनगर की सदर और एसओजी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां मुखबिर की सूचना के आधार पर एक चैन स्नेचर को जिला मुख्यालय की हेड्रिल चौराहे से गिरफ्तार किया गया है। पकड़ा गया आरोपी गोविंद राज पर गोरखपुर जिले का निवासी बताया जा रहा है। 23 सितंबर को जिला मुख्यालय पर एक मेडिकल शॉप पर चेन स्नेचिंग की वारदात हुई थी, जहां सीसीटीवी कैमरे में बाकायदा महिला से चेन छीनता और भागता हुआ युवक कैद हुआ था। थाना सिद्धार्थनगर में एक घटना 23 नौ को एक घटना हुई थी, जिसमें मेडिकल स्टोर में खड़ी एक महिला की चेन तोड़ के 2 लोग अपाचे सवार मोटरसाइकिल पे थे, 2 लोग भाग गए थे। उसी में पुलिस उस घटना के अनावरण में तभी से लगी हुई थी, इसमें एसओजी की टीम हमारी कार्य कर रही थी। इसी घटना का आज अनावरण हुआ है और इसमें जो मुख्य अभियुक्त था, जिसका सीसीटीवी फुटेज में भी फोटो आया था और जो वादिया है, जो पीड़िता है, उसने उसे पहचाना भी है और अभियुक्त ने खुद स्वीकार भी किया है जो घटना उसने की थी चेन तोड़ने की, उसको गिरफ्तार पुलिस ने किया है। और इसका एक साथी, जो इसका दूसरा साथी मोटरसाइकिल। गाजीपुर में डीएम ने 2022 चुनाव के मद्देनजर कॉलेज के स्टाफ समेत छात्राओं को शपथ दिलाई। राजकीय महिला कॉलेज के सभी स्टाफ समेत छात्राओं को मुफ्त मतदान के लिए शपथ दिलाई गई है। साथ में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन कराने के लिए जागरूक भी किया गया। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर महिला महाविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बता दें कि विधानसभा 2022 चुनाव के मद्देनजर वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के तहत नाम जोड़ना संशोधन को लेकर काम इस वक्त किया जा रहा है। वहीं डीएम की तरफ से राजकीय महिला महाविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के टीचर, स्टाफ और स्टूडेंट मौजूद रहे, जिनमें चुनाव आयोग के निर्देश पर डीएम द्वारा वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, संशोधन करने को लेकर जो भी तिथि है उसको लेकर जागरूक किया गया। साथ ही सभी को बताया गया कि बिना भय के अपने मतों का प्रयोग करते हुए मतदान करें और इस चीज की शपथ भी दिलाई गई। वहीं उन्नाव में दबंगों से परेशान एक पीड़ित कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंच गया, जहां पर दिव्यांग ने दबंगों पर जमीन कब्जा करने की का आरोप लगाया है। साथ में पीड़ित दिव्यांग ने डीएम ऑफिस में मिट्टी का तेल लेकर आत्मदाह करने का भी प्रयास किया। इस मामले की सूचना मिलते ही डीएम एसपी दफ्तर पहुंचकर पीड़ित से मामले की उन्होंने जानकारी ली और जल्द ही इस पूरे मामले में न्याय करने का आश्वासन दिया। पूरे प्रदेश में आज 1 नवंबर को यातायात माह की शुरुआत की गई। इसी कड़ी में मैनपुरी में भी यातायात माह का शुभारंभ किया गया। जिले के उच्चाधिकारियों की तरफ से हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की गई। अपर पुलिस अधीक्षक मैनपुरी मधुवन कुमार सिंह ने तमाम लोगों को जागरूक करते हुए सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में जानकारी दी। वही लखनऊ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, जो कि चांदपुर खानीपुर गांव में स्थित है, इनके द्वारा 2020-21 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कोरोना के दौरान जिन सरकारी शिक्षकों, प्राचार्यों ने बच्चों को निरंतर शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया, उन्हें चिन्हित कर उनको श्री अनुराग त्रिपाठी, जो की सीबीएसई सेक्रेटरी है, और मेजर हर्ष कुमार, जो की एनसीईआरटी के सेक्रेटरी है, उनके हाथों सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में एवरेस्ट की चोटी छूने वाली लीडर जो थी वो तोलिका रानी, मोटिवेशनल स्पीकर कर अभिजीत बनर्जी और लखनऊ के कई नामी ग्रामीण स्कूलों के प्रधानाचार्य वहां पर मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता एलआईपीएस के चेयरमैन राजेश चौहान और प्रधानाचार्य मानवी त्रिपाठी ने किया था। स्कूल के बच्चों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का खूबसूरती से मंचन किया। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार एक होकर के ही शिक्षा का बेहतरीन मॉडल प्रस्तुत करती है। पूरे देश में एनसीईआरटी, एससीईआरटी और एक ही करिकुलम चलता है और प्रादेशिक हिसाब से लोग कस्टमाइज करके उसको बनाते हैं। तो जब आप युद्ध कर रहे होते हैं तो आपके सामने सिर्फ होता है दुश्मन और आपको उसको खत्म करना होता है। अगर ये आग आपके अंदर नहीं है तो आप यकीन मानिए आप लड़ाई नहीं कर सकते, आप हार जाएंगे। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।